नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य रविंद्र अध्यात्म अवेयरनेस पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज 2022 का जो साल है, यह साल हमारे लिए अच्छा रहे, धनदायक रहे, स्वास्थ्य की दृष्टि से अच्छा रहे और वैभव यश सम्मान सब अच्छा रहे, इसके लिए हम 1 से 9 अंक पर व्याख्या करने जा रहे हैं। सबसे पहले समझें कि ये 2022 का साल जो है, इसका टोटल अंक जो है आता है 6। 6 जो है उसका स्वामी है शुक्र। शुक्र के जो मित्र ग्रह हैं और शुक्र के जो शत्रु ग्रह हैं उस पर वैसा प्रभाव आएगा, यह बिल्कुल सूत्र है, इसको समझ लें। सबसे पहले बात देखें कि शुक्र के जो मित्र ग्रह हैं वह कौन कौन हैं। शुक्र के मित्र ग्रह हैं शनि, राहु, केतु और बुध, और इसके शत्रु हैं सूर्य और गुरु। तो सूर्य के अंक 1 होते हैं और गुरु का अंक 3 होता है, अर्थात 1 और 3 अंक वाले अपने जीवन में, जिसका मूल्यांक 1 है 3 है, सावधानी बरतें और जीवन उसके लिए अच्छा रहेगा। क्योंकि होल सोल जो 16 अंक 6 अंक है, यह बहुत ही अच्छा साल रहेगा, बहुत अच्छा प्रभाव देगा, धन संपदा ऐश्वर्य सब चीज़ में देगा और जो लग्जरी लाइफ है वह प्रदान करेगा। यह बहुत शुभ साल है क्योंकि यह शुक्र जो है शुभ ग्रह माना जाता है, तो यह शुभ साल रहेगा और सभी के लिए नौकरी और व्यापार अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य खट्टा मीठा चलेगा क्योंकि स्वास्थ्य में कुछ गड़बड़ी हो सकती है पर कुछ अंक वालों के लिए, तो जानें एक अंक सूर्य का है। सूर्य अपने आप में एक राजा ग्रह है, राजा होने के कारण ब्रह्मांड में अपना वर्चस्व तो बनाए हुए है, तो ऐसी स्थिति में 1 अंक वाले जो है सो इनके तत्व अग्नि है, हर हमेशा तेजस्व को धारण करेंगे, गुस्सेले प्रवृत्ति के होंगे, बात बात पर में गुस्सा आ जाना और नखरा दिखाना, ये सब उनके अंदर ईगो पॉइंट ज़्यादा रहेगा। तो ये सब चीज़ को बैलेंस करते हुए अगर आप चलते हैं तो 2022 बहुत ही अच्छा आपके लिए होगा। अब देखें कि नौकरी में कैसा रहेगा। नौकरी में यह साल आपके लिए अच्छा है और यह साल आपके लिए एक ऐसा वरदान दे करके जाएगा कि नए अवसर भी आपको मिल सकते हैं, व्यापार के नए अवसर मिल सकते हैं। सावधानी है कि कोई भी नया व्यापार शुरू नहीं करें, जो व्यापार आपका चल रहा है उसको चिंतन मनन करके और बहुत ही धीरे से आगे बढ़ाएं, अच्छा रिजल्ट आएगा। स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य जो है मध्य में थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है, मई से लेकर के अगस्त तक इसमें आपको सावधानी रखना है। लास्ट दिसंबर महीने में भी कुछ गड़बड़ी हो सकती है, इस पे आपको सावधानी रखना है। सूर्य 1 अंक है, अर्थात यह पिता के भी कारक हैं, तो पिता भी आपके स्वस्थ उनका गड़बड़ हो सकता है, स्वास्थ्य में गड़बड़ी हो सकती है, इस चीज़ को आपको सावधानी रखना है। 1 नंबर वाले को सावधानी क्या रखना है, सूर्य अर्घ देना आवश्यक है। शुक्रवार के दिन बच्चे को, छोटे कन्याओं को जो है सो चॉकलेट इत्यादि मिठाई, सफ़ेद मिठाई इत्यादि दान करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। 2 अंक वाले, 2 अंक के स्वामी शुक्र हैं जो स्वतः इस पूरे साल के मालिक हैं, वो अच्छा फल देंगे, आपका नया अवसर मिलेगा, रोजगार मिलेगा, आपको व्यवसाय अच्छा मिलेगा और सावधानी से चूंकि चिंतन करके आपको चलना है, इस स्थिति में आप भावुक ज़्यादा हो सकते हैं, भावना में बह करके कोई भी काम करेंगे, कोई भी व्यापार करेंगे, कोई भी निर्णय लेंगे वह गलत हो सकता है, क्योंकि ये भावना का साल रहेगा और इसमें आपको सावधानी रखना है। आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, आपका हृदय से संबंधित, पेट से संबंधित कुछ गड़बड़ी हो सकती है, इस पर आपको सावधानी रखना है। आपका जो है प्रेम, लव लाइफ आपका अच्छा रहेगा, आप अपने जीवन साथी के साथ अच्छा व्यवहार करें, आपको बहुत ही अच्छा आनंद मिलेगा और उसका अच्छा असर मिलेगा, सुअवसर प्राप्त होंगे जीवन में, आप यात्रा पर जा सकते हैं और यात्रा में आपको थोड़ी सी सावधानी करके चलना है। तो ये 2000 जिसका अंक 6 आ रहा है 22 का, यह बहुत ही आपके लिए अच्छा है, आप सावधानी से करें, अपने निर्णय को व्यवस्थित रखें, भावुकता में नहीं बने और नए संबंध भी स्थापित हो सकते हैं, इस चीज़ को ध्यान रखें, अपने जीवन साथी के प्रति वफादार रहें।
यह बहुत ही साल आपके लिए मिला जुला बहुत ही अच्छा रिजल्ट देगा। ऐश्वर्य आपको मिलेगा, लग्जरी लाइफ मिलेगा और जीवन में जो चीज़ आप चाहेंगे यह साल आपको दे सकता है। केवल इसका छोटा सा ट्रीटमेंट रखना है, जब भी घर से निकलें तो जीरा का दो दाना खा करके, आपका सौंफ का दो दाना खा करके आप चलेंगे, आपका सारे कार्य अच्छे होंगे और आप अच्छा फल प्राप्त करेंगे। 3 जिसका अंक है इसके स्वामी हैं गुरु। गुरु अर्थात जो शुक्र के शत्रु के रूप में माने जाते हैं, यह शुक्र और जो गुरु है दोनों के बीच में खिंचाव बना हुआ रहेगा। अर्थात यह पूरा जो साल है आपके लिए रहेगा तो अच्छा, क्योंकि आप बुद्धिजीवी हैं, आप एक अच्छे सोच विचार करने वाले व्यक्ति हैं, भावुक भी हैं थोड़ा, धर्म के प्रति आपको लगाव रहेगा, अपने जो सगा संबंधियों के प्रति उसके पीछे आप दीवाना रहेंगे। ये थोड़ी सी आप सावधानी रखें, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। मध्य में थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है और लास्ट में गड़बड़ हो सकता है, इस पे आपको सावधानी रखना है। मन को स्थिर रखना आपके लिए बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि सोच विचार करके ज्ञान के स्तर पर, प्रकाश के स्तर पर कोई भी निर्णय लेंगे आपके लिए अच्छा रहेगा। आपका व्यापार अच्छा चलेगा, नौकरी भी अच्छा रहेगा, नए नौकरी के अवसर भी मिलेंगे, इस अवसर को भुनाना आपका कार्य है। यात्रा में जब भी चलें तो सावधानी के साथ चलें, और जब भी आप अपने घर में स्थिर रहें तो जो है शुक्र के मंत्र का जाप करें, अर्थात उनको प्रसन्न करने की कोशिश करें, ये साल आपके लिए अच्छा रहेगा। अब 4 अंक आता है, 4 अंक जिसका राहु है, स्वामी इसका राहु है, अर्थात जिसका मूल्यांक 4 है, जिसका 4 तारीख को जन्म हुआ है, या जो 4 अंक मिलते हैं, तो ये ऐसे लोग सावधान रहें, क्योंकि ये साल आपके लिए बहुत ही खुशखबरी लेकर के आ सकता है। आप गोपनीयता बरतते हैं और बरतें, किसी भी झंझट में नहीं पड़े, ये चीज़ को करें। जीवन में कभी भी मद्रापान और जो पर स्त्रीगमन नहीं करें, ये साल आपके लिए बहुत अच्छा जाने वाला है। अगर आप ऐसा करेंगे तो ये आपके लिए बुरा परिणाम देगा, आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य से संबंधित जब भी आपकी कोई परेशानी हो तो उस पर सावधानी से आप उसका चिकित्सा करवाएं, क्योंकि यह साल आपके लिए अच्छा है। हो ना सके कि आप स्वास्थ्य में गड़बड़ हो करके अपने साल को बर्बाद कर दें। लव लाइफ भी आपका अच्छा रहेगा, क्योंकि आप ज्ञान के स्तर पर, गोपनीयता के स्तर पर किसी से प्यार करना चाहते हैं, प्यार करते हैं, उसको इजहार नहीं कर पाते हैं, तो ये चीज़ को आप ध्यान रखें कि अगर इजहार करेंगे तो उसका रिजल्ट आपको अच्छा मिलेगा। संबंध को बनाए रखें, आप अपने भाई ब्रदर्स जितने भी लोग हैं इसके साथ आपको संबंध को मधुर रखना पड़ेगा, क्योंकि यही संबंध आपको अच्छा रिजल्ट आने में मदद करेगा। अब 5 अंक पर आते हैं, 5 अंक जिसका स्वामी बुध है। बुध जो शुक्र के मित्र हैं, तो बल्ले बल्ले आपका है यह साल आपका। 2021 भी आपके लिए अच्छा रहा, 2022 भी आपके लिए अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य भी आपका अच्छा रहेगा, नौकरी भी अच्छा रहेगा, व्यवसाय भी आपको अच्छा रहेगा, क्योंकि व्यवसाय में थोड़ी सी एक सावधानी आपको रखना है कि पार्टनरशिप से आप सावधान हो जाएं। किसी भी पार्टनरशिप के साथ अगर करें तो सोच विचार के करें, एग्रीमेंट के साथ करें, किसी प्रकार भावुकता में न जा करके करें। स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा, स्वास्थ्य पैर संबंधी कुछ दिक्कत जा सकती है, मस्तिष्क में थोड़ी सी जो दर्द इत्यादि रहेगा, तो इसको सावधानी, अगर ऐसा कुछ होता है तो आप डॉक्टर से जा करके दिखा करके और अपने को स्वस्थ रख सकते हैं। व्यायाम करना, प्राणायाम करना आपके लिए आवश्यक है, सावधानी से इसको पालन करें, यह साल आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आर्थिक उन्नति होगी आपकी, नौकरी व्यवसाय सब आपके लिए अच्छे रहेंगे, लव लाइफ भी आपका बहुत अच्छा रहेगा। भाग्यांक आपको 70-75% आपको मदद कर रहा है, तो आप इसका लाभ लें। 6 अंक वाले जिसका स्वामी शुक्र खुद है, क्या बल्ले बल्ले है आपका यह साल 2022, तो आपके लिए बिल्कुल नया अवसर लेकर के आएगा, नौकरी में भी नया, व्यवसाय में भी नया, लेकिन भावुकता से भरा हुआ रहेगा। सावधानी से आप अपने भावुकता में ना बहें, सावधानी पूर्वक निर्णय लें, क्योंकि यह साल आपके लिए बहुत ही मकान, पैसा, गाड़ी सब चीज़ देने वाला है, तो अगर इसका सही ढंग से आप उपयोग करते हैं, आर्थिक उन्नति होगी, बैंक बैलेंस होगा और जीवन में नए संबंध वाले व्यक्ति मिलेंगे,
आपके नए संबंध भी, नए प्रेमी भी मिल सकते हैं, तो जीवन साथी के प्रति वफादार रहे हैं, क्योंकि वह अगर सही रहेगा तो आपका जीवन बल्ले बल्ले रहेगा। 2022 है वह 7 अंक वाले के लिए तो और ही अच्छा है, क्योंकि यह मित्र का साल है, शुक्र उसके मित्र हैं। अगर वह सही ढंग से बिना किसी भावुक में फंस करके वह निर्णय लेता है तो उसके लिए बहुत ही अच्छा नया अवसर भी मिलेगा, विदेश जाने का अवसर मिलेगा और उसके लिए अच्छे पढ़ाई करने का अवसर मिलेगा, यह अवसर उसके लिए बहुत ही अच्छा है। उन्नति होगी, आर्थिक उन्नति होगी, धन संपत्ति का उन्नति होगा, व्यापार में उन्नति होगा, उनके नए वाहन भी आ सकते हैं, तो ऐसे चीज हैं। अब इसमें थोड़ी सी उसकी स्वास्थ्य के प्रति पेट गड़बड़ी हो सकती है, उसका मन थोड़ा सा विचलित रह सकता है, इसे शांति बनाए रखें। इसके लिए आप गुरुवार के दिन प्रत्येक दिन जा करके गणेश भगवान का दर्शन करें तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। इसलिए बोल रहे हैं कि जब बुद्धि के देवता आपके बुद्धि में बैठे रहेंगे तो आपका सब बल्ले बल्ले होगा, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, स्वास्थ्य के साथ आपको धन इत्यादि भी मिलेगा और जीवन साथी के साथ आपका संबंध रहेगा, नए शादी वाले का भी नया शादी हो सकता है अगर चाहेंगे तो। यह 2022 आपके लिए बहुत ही अच्छा है। अब हम 8 अंक वाले जो शनि का है, शनि के जो भी जातक हैं वह सावधानी से अपने जीवन में करें, नए अवसर भी मिलेंगे लेकिन उसे स्वीकार करना सावधानी से है, क्योंकि जिस नौकरी पर हैं उसमें आपकी पदोन्नति की संभावना अधिक है, तो ऐसी स्थिति में उस नौकरी में आप दिलोजान से मेहनत करें, आप निश्चित रूप से आपको फल मिलेगा, क्योंकि ये कर्म का देवता है, कर्म के आधार पर फल देता है, तो कर्म के आधार पर तथा नौकरी में जितनी आप तल्लीनता दिखाएंगे, जितना विश्वास के साथ करेंगे, आपको इसका रिजल्ट अच्छा आएगा। अब 9 अंक वाले तो निश्चित रूप से इसके जो हैं सो काफ़ी अच्छा दिन आने वाला है। यह मंगल देवता है इनका और अग्नि से संबंधित है, निश्चित रूप से इनके अच्छे परिणाम आएंगे। यह सम मित्रता में आता है, ना मित्र है ना शत्रु है, इनके जीवन तो बल्ले बल्ले हो सकता है अगर सावधानी से आप करते हैं तो। नौकरी में भी आपको अच्छा अवसर रहेगा, ये साल बिल्कुल गोल्डन ईयर आपके लिए है, ये बिल्कुल बुनाएं इसको, आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहने वाला है, आपके सभी से संबंध भी अच्छा रहने वाला है, नए संबंध भी जुड़ सकते हैं और ये साल आपको नए नए अवसर दे जाएंगे, नए क्षेत्र में आप व्यापार कर सकते हैं। व्यापार में सावधानी रखना है कि जब भी करें पार्टनरशिप में करें तो बहुत सावधानी से करें, तो ये साल आपके लिए आश्चर्यजनक परिवर्तन लाने वाला है, परिणाम लाने वाला है और सबके लिए अच्छा है, तो थोड़ी सी सावधानी खट्टे मीठे के साथ ये साल सभी के लिए अच्छा है। सारे ग्रह का हमने बताया, जो अंक ज्योतिष के बताया, अब मैं अगले वीडियो में आपको मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक का बताएंगे और कुछ और वीडियो ऐसे बनाएंगे जो आपके लिए अच्छा होगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, नमस्कार।